नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी बेहतरीन होम रेमेडी लेकर के आया हूं दोस्तों, जिसके इस्तेमाल से आप अपने हाथ पैरों के कालेपन को, हाथ पैरों की गंदगी को छुड़ाकर उन्हें एकदम फेयर और साफ बना देंगे। यह रेमेडी इतनी बेहतरीन है कि यह आपके हजारों रुपए जो पार्लर्स में लोग बर्बाद करते हैं, महंगे महंगे ब्यूटी पार्लर्स में जाकर पैसे बर्बाद करते हैं, आपको पार्लर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। घर बैठे इस होम मेड पेडिक्योर से आप बिल्कुल मुफ्त में अपने हाथ पैरों के कालेपन को, गर्दन को बिल्कुल साफ और खूबसूरत बना पाएंगे। तो दोस्तों, इस रेमेडी को मैं शुरू करता हूँ बिना समय गवाए। दोस्तों, इस रेमेडी में सबसे पहली चीज़ लेंगे हम शैम्पू, वो शैम्पू जो आप इस्तेमाल करते हैं या जिस पर आपको भरोसा है। सबसे पहले हम शैम्पू लेंगे। दोस्तों, शैम्पू जिस तरह बालों की गंदगी को साफ करता है, डैंड्रफ को दूर करता है, मैल को बाहर निकालता है, सर के ऊपर की मैल को, उसी प्रकार यह हाथ पैरों की जमी सख्त मैल को भी बाहर निकालने में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। यहाँ पर मैं आपको बना करके दिखाऊँगा, इसे लगा करके भी दिखाऊँगा। इसके बाद फ्रेंड्स, हम इसमें थोड़ी सी मिलाएंगे हल्दी। हल्दी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसके अंदर ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्किन की सफाई करती है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को आपस में इस तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के साथ यह देखिए, यह हमारी जो रेमेडी है वो बन करके तैयार हो रही है। बहुत ही बेहतरीन यह बनेगी और यह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम भी करेगी। जो लोग भी अपने हाथ पैरों के कालेपन को दूर करना चाहते हैं कम से कम खर्च में, मुफ्त में, इस वीडियो को एक बार अंतिम तक ज़रूर देखिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, हम इस रेमेडी में एक और चीज़ मिलाएंगे, वो भी बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा आपको लेनी है, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। बस थोड़ी सी मात्रा, लगभग 2 से 3 बूंद आपको लेनी है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल मतलब जैतून का तेल, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और फ़ायदेमंद होता है। अब इसे लेकर के हम आपस में इन सब को पहले हम लोग मिक्स करेंगे इस तरीके से। दोस्तों देखिए, ऑलिव ऑयल मिलने के बाद इसका जो कलर है वो चेंज होने लगेगा। दोस्तों, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरीके से हमने इसको जो है वो मिक्स कर लिया है। ये देख रहे हैं, काफ़ी स्मूथ बन रहा है, बहुत ही खूबसूरत रेमेडी है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यह फ़ायदा करेगा। इसके बाद फ्रेंड्स, हम इसमें एक और चीज़ मिलाएंगे, वो भी थोड़ी सी मात्रा हम इसमें मिक्स करनी है, वो मिलानी है लगभग इतनी मात्रा हम इसमें मिलाएंगे एलोवेरा जेल की। एलोवेरा जेल स्किन को लाइटन करता है, स्किन को ब्राइटन करता है और स्किन के पोर्स में जाकर डेड सेल्स को भी यह रिमूव करता है। इस तरीके से देखिए, एलोवेरा जेल मिलने के बाद जो इसकी जो इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी चेंज होने लगा है। देखते जाइए इस नुस्खे को, इसी तरीके से आपको बनाना है और हाथ पैरों के कालेपन को दूर करके पूरे शरीर को फेयर करने के लिए, गोरा साफ करने के लिए यह आपके बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम आएगा। अब इसमें हमें एक और चीज़ मिलानी है जो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, फ़ायदेमंद है, उसकी हमें लगभग इतनी मात्रा मिलानी है, लगभग 1 चम्मच के आसपास हम मिक्स करेंगे। और ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं और स्किन वाइटनिंग के लिए यह बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और फ़ायदेमंद होती है। ये क्या है दोस्तों, ये है बेसन। बेसन मिलने के बाद देखिए, बिल्कुल ही अलग तरीके से यह हमारा रेमेडी जो है वो बन करके तैयार हो जाएगा और दिखने लगेगा। इसके बाद दोस्तों, इसे कैसे लगाना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये भी जानना ज़रूरी है, तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यह काम करता है, बहुत ही, ये आप देख रहे हैं इस तरीके से यह बन करके तैयार हो गया है। और देखते जाइए यह कितना बेहतरीन तरीके से, इस तरीके से दोस्तों हमारी यह रेमेडी तैयार हो गई है। अब इसे लगाना कैसे है, अब दोस्तों सबसे पहले क्या करना है कि इसे आप ले लें इस तरीके से
और अपने हाथ पैरों पर, गर्दन पर, जहाँ पर भी चाहें आप लोग इसे सबसे पहले इस तरीके से आप लोग इसे लगा लें, ठीक है। इस तरीके से लगा लें, थोड़ा सा मालिश करें और लगाने के बाद थोड़ा सा मसाज कर लें। फिर एक इसी तरह की मोटी लेयर लगा करके आप इसे अपनी स्किन के ऊपर छोड़ दें लगभग 15 मिनट। 15 मिनट के बाद आप लोग इसे धो लें। आप पाएंगे दोस्तों कि हरिमेडी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा करेगा और हाथ पैरों के कालेपन को दूर करेगा।